सो आप देख सकते हैं मैं की करूंगा अपनी ऑन और हमारे मीटर में रीडिंग आने लगी है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लुक दे रहा है। ब्राइट ब्लू कलर है इसका और मैट फिनिश बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डीआईवाई जुगाड़ और मेरा नाम है वैभव। आज की वीडियो में मैं फिट करने जा रहा हूं अपने एक्टिवा में एक वोल्ट मीटर। सो सबसे पहले तो आपको वोल्ट मीटर दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वो वोल्ट मीटर और काफी छोटा सा लग रहा होगा आपको दिखने में, और मैंने इसको खरीदा gearbest.com से जहां से मैंने अपना इंटरकॉम भी मंगाया था। सो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में कूपन कोड भी होगा, तो अगर आप उसको लगाएंगे तो ये आपको अराउंड $1 का पड़ेगा और $0.5 आपको शिपिंग देनी होगी, तो ये $1.50 में आपके घर पे आ जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो इसको मैं फिट करूंगा अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड इन द सेंस जहां पे स्विचेस वगैरह लगे होते हैं अपने स्पीडोमीटर के साइड में। और यूट्यूब पर काफी वीडियोस हैं जिसमें उन्होंने एनालॉग मीटर लिया हुआ और फिट किया हुआ जहां पे अपनी फ्रंट बॉडी का कवर होता है, जहां पे टायर प्रेशर लिखा होता है उसके ऊपर एमसील लगा के। सो वो आइडिया मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक उसमें वहां पे 10 नंबर का बोल्ट भी होता है जिससे कवर उतरता है, वो भी एकदम ब्लॉक हो जाता है और सारी लुक खराब होती है और बाद में वो पैरों में भी अड़ता है, और अगर आप टूरिंग करते हैं और सामान रखते हैं तो आपको और भी दिक्कत आएगी। सो इसको मैं इंस्टॉल करूंगा, बहुत ही ईजी है इसको इंस्टॉल करना। आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें तीन वायर्स हैं, ब्लैक है अर्थ और रेड वायर इसकी बैकलाइट की, और जो व्हाइट वाली वायर करेगी वोल्टेज को मेजर। सो हमें करना ये कि रेड और व्हाइट को ज्वाइन कर देना और ब्लैक को कर देंगे हम ग्राउंड। सो बात आ जाती है इसका यूज क्या है। इसका यूज यही है कि आपको आपकी बैटरी की वोल्टेज पता लग जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो रेक्टिफायर है वो बैटरी को अच्छे से चार्ज कर रहा है या नहीं, और जो आप एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करते हैं उससे आपकी बैटरी पे कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। और इसका जो कलर है ब्लू है और ये बहुत ही अच्छा दिखता है। तो देख सकते आप देख सकते हैं जो इसका पीसीबी है वो एकदम नेकेड है और इसमें पानी जाने का डर है। सो बेसिकली मैं करूंगा ये इसको मैं ऊपर से फिट करूंगा और पीछे से इसके हम साइड पे या तो आप ग्लू गन यूज कर सकते हैं या कोई भी सीलेंट रेजिबॉन्ड वगैरह और एमसील भी लगा सकते। मैं एमसील या सीलेंट लगाऊंगा इसमें और आप पीछे से इसको अच्छे से टेप कर दीजिए। बेसिकली जो सेलो टेप होती है उससे टेप कीजिएगा चारों साइड से। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी साइड पे लॉक्स हैं, ऊपर से डालेंगे तो जो ये लॉक्स हैं एकदम फिट हो जाएंगे। सो ऊपर से वाटरप्रूफ है और नीचे पानी जाने का डर नहीं रहेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन भी दबा लीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन ना मिस करें। सो फटाफट चलते हैं एक्टिवा की तरफ और करते हैं इसको फिट। स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक्टिवा की हेडलाइट वाली फेयरिंग और नोज को मैंने खोल लिया है। सो अगर आपको नहीं पता कैसे खोलते हैं तो आप मेरी लास्ट वीडियोस को जाके चेक कर सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे कि मैं इसको कहाँ लगाऊंगा। आप देख सकते हैं हमारा वोल्ट मीटर है। सो आप इसको इधर भी लगा सकते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड भी लगा सकते हैं, बट अभी के लिए मैं इसको लेफ्ट साइड भी लगाऊंगा और मैं इधर नहीं लगा रहा हूँ, उसका कारण आपको आने वाली वीडियोस में पता लग जाएगा। तो आपको करना ये कि आपको ऐसे मार्किंग बना लेनी है यहाँ पे पेंसिल से या किसी भी व्हाइट चीज से और फिर उसको हम काटेंगे। और पीछे से आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला लॉक है जहाँ पे अपना स्क्रू लगता है और इधर हेडलाइट का स्विच का सॉकेट है। सो ये कुछ इधर कहीं बैठेगा और ये स्ट्रेट नहीं लगेगा, थोड़ा सा टिल्ट लगेगा। सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लाइक दिस। सो पहले इसके लिए होल करते हैं हम। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मार्किंग्स मैंने बना लिए, शायद आपको कैमरे में मार्किंग्स ना दिख रही हो। सो गाइस मार्किंग्स बनाने के बाद मैं अब एक सोल्डर ले रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको हीटर में रख दिया है। सो एक हल्का सा इसमें से बीच में से हम पहले होल निकाल लेंगे फिर उसको करेंगे हम फाइलर से फाइल। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट प्लास्टिक को निकाल लिया बीच में से, अब जो थोड़ा सा बचा है उसको हम ठंडा होने के बाद कटर से काट लेंगे। सो अब हमें एक फाइल लेनी है और इसको फाइल करते हैं, कोशिश करते हैं प्रॉपर टाइडी हो जाए, अभी काफ़ी अनटाइडी है ये। One eternity later. So friends, as you can see, hole बन चुका है और कनेक्शन से ज्यादा मुश्किल काम इसके लिए रेक्टेंगल काटना है। काफी टाइम लग गया मुझे घिसते घिसते। अब आपको दिखाया जाए तो वायर्स चली गई हमारी अंदर और आप देख सकते हैं जो हमारा वोल्ट मीटर है चले गया है अच्छे से। सो पहले मैं इसके कनेक्शन करता हूँ, फिर वो हमें रेड और व्हाइट वायर को जोड़ के एक्सटेंड कर देना एक वायर से और एक ब्लैक वायर को एक्सटेंड कर देना एक वायर से। सो फटाफट करते हैं इसको। सो फ्रेंड्स एज यू कैन सी मैं वायर्स को एक्सटेंड कर चुका हूँ, ब्लैक वाली को मैंने व्हाइट वायर से एक्सटेंड किया और हैंडल के पीछे से निकाल दी और रेड एंड व्हाइट को जोड़ के मैंने एक रेड से एक्सटेंड किया हुआ है और आप देख सकते हैं दोनों वायर्स हमारे पास यहाँ पे नीचे आ चुकी हैं। सो सबसे पहले तो हमें जो अपनी ब्लैक वाली वायर है और यहाँ पे मैंने व्हाइट से एक्सटेंड किया उसको बैटरी के नेगेटिव पे लगा देना है। ध्यान रखिए इस बार बैटरी के नेगेटिव पे लगाए, किसी भी बेयर मेटल के ऊपर ना लगाए ताकि हमें एक्यूरेट से एक्यूरेट रीडिंग मिल सके। सो पहले इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। अब बचती है हमारे पास हमारी रेड वाली वायर। सो इसको हमें अगर हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली तो हमारा जो वोल्ट मीटर है वो डायरेक्टली चलेगा, बट इसको हमें या तो लगाना है फ्यूज के आउटपुट से, बट हम वो लगा नहीं सकते क्योंकि फ्यूज के ऊपर कैप रहता है, या हमें लगाने मेन जो हमारा इग्निशन सॉकेट है उस आप किसी भी अंदर वाली वायर से मत लगाइए, जैसे ब्रेक वायर हो गई या अपनी फ्यूल गेज की वायर हो गई, क्योंकि उसे रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी, ये मैं चेक कर चुका हूँ। सो हमारी मेन वोल्टेज यहाँ से जारी होती है। सो हमें इसको खोलना है और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वायर्स हैं,
और जौन सी ब्लैक वाली वायर जिस सॉकेट में जा रही है उस सॉकेट में हमें इस वायर को डालना है। तो फटाफट मैं इसको उसमें डालता हूँ। फ्रेंड्स, इग्निशन सॉकेट से वायर मैंने लगा दी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको ब्लैक कलर की सेलो टेप से अच्छे से टेप कर दी सारी साइड से। और अगर आप इसके बाद एमसी लगाना चाहते हैं तो आप लगा लीजिए, इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है, काफी रात हो चुकी है। और एक बार पैक करने से पहले आप इसको चेक कर लीजिए की ऑन, और आप देख सकते हैं रीडिंग आ रही है इसके ऊपर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं सब कुछ पैक कर चुका हूँ। सो अब हम करेंगे की को ऑन और आप देख सकते हैं हमारे वोल्ट मीटर में रीडिंग आने लग गई है। ये बारन लाइट्स मैंने इंस्टॉल की हुई है, इनकी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगी, अभी टेस्टिंग एंड रही है। तो अभी वोल्टेज दिखा रहे हैं 12.1 के। सो अब अगर मैं करता हूँ अपने एक्टिवा को स्टार्ट, सो पहले आपने देखा कि वोल्टेज ड्रॉप गया 11.5 तक। सो मैं रेस दूंगा, सो 14 तक हमारी वोल्टेज जा रही है। इसका मतलब जो हमारा ऑल्टरनेटर है वो सही से काम कर रहा है और बैटरी हमारी अच्छे से चार्ज हो रही है। सो मैंने थ्रॉटल को छोड़ दिया, सो आप देख सकते हैं हल्का हल्का ड्रॉप आएगा इसमें फिर से। अब मैं अपना एलईडी हेडलैम्प ऑन करूंगा जो मैंने इंस्टॉल किया था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगी। सो इससे आपको पता लग जाएगा कितना वोल्टेज ड्रॉप आया। और सिमिलरली मैं फॉग लाइट्स भी ऑन कर देता हूँ अपनी, और आप देख सकते हैं और वोल्टेज नीचे चली गई है 11.9। एक्सीलेटर दूंगा, ये और ऊपर जाएगी, बेसिकली चार्जिंग डिपिक्ट कर रही है। सो ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और इसका व्यू कुछ ऐसा सा आप देख सकते हैं। सो जैसे कि आपने देखा मैंने अपना एक्टिवा में वोल्ट मीटर इंस्टॉल किया और ये कितनी अच्छी लुक देता है रात को, और इसकी लाइट बहुत ज्यादा अच्छी है और वोल्टेज तो मेजर करता है ये। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन ना मिस करें मेरे चैनल से। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं वहीं पर लाइव आता हूं, सारे लाइव सेशन वहीं पर होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप टू सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन राइट सेफ राइट हार्ट, मिलते हैं किसी और बढ़िया वीडियो में। बाय बाय।